हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? दोस्तों आज का क्लास हमारा डीएड आईडीडी फर्स्ट ईयर से रहेगा। कोर्स फर्स्ट है हमारा और आज हम बात करेंगे यूनिट 2.1 पर। यूनिट 2.1, ठीक है, यानी कि आईडीडी फर्स्ट ईयर का कोर्स फर्स्ट है हमारा, यानी कि पेपर फर्स्ट है। कोर्स फर्स्ट, कोर्स नेम हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है और जिसमें आज हम करने वाले हैं यूनिट 2.1, जिसमें हमारा सेरेब्रल पैलेसी पूछ रखा है। तो आज का टॉपिक हमारा सेरेब्रल पैलेसी यानी कि प्रामस्तकीय पश्चाघात पर बात करेंगे। दोस्तों प्रामस्तकीय पश्चाघात सभी जानते हैं गामा अक्षमता से रिलेटेड है, या हम कह सकते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी का एक प्रकार है या शारीरिक दिव्यांगता का एक प्रकार है। तो दोस्तों देखिए, प्रामस्तकीय पश्चाघात, जैसे कि दोस्तों सेरेब्रल पैलेसी के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आज हम बात करेंगे सेरेब्रल पैलेसी क्या है, इसका वर्गीकरण क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण कौन कौन से हैं और इनका बचाव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, सेरेब्रल पैलेसी यानी कि प्रामस्तकीय पश्चाघात, प्रामस्तकीय पश्चाघात या अंगाघात, यानी कि पश्चाघात की जगह कहीं कहीं जगह आपको अंगाघात भी लिखा हुआ है, यहाँ पर अंगाघात इस तरीके से, यानी कि अंगों का आघात, ठीक है, पश्चाघात प्रामस्तकीय। देखिए दोस्तों, इसको इसका जो नाम है सेरेब्रल पैलेसी यानी कि प्रामस्तकीय पश्चाघात, इसको पढ़ के ही या इस शब्द को बोलकर ही थोड़ा स्पष्ट ये हो रहा है, प्रामस्तकीय यानी कि मस्तिष्क से संबंधित पश्चाघात, यानी कि मस्तिष्क से संबंधित जिसके पश्चात एक कोई दिमागीय आघात जो कि जिसका प्रभाव शरीर की स्थिति पर पड़ता है, प्रामस्तकीय पश्चाघात, ठीक है। अब प्रामस्तकीय पश्चाघात है क्या? प्रामस्तकीय पश्चाघात को अंग्रेजी में सेरेब्रल पैलेसी कहते हैं, सभी जानते हैं। सेरेब्रल का अर्थ जो है मस्तिष्क से है, ब्रेन से है, पॉलिसी का अर्थ है दोस्तों किसी प्रकार का कोई आघात या फिर लकवा होना, ठीक है। तो जिसमें कह रहे हैं सेरेब्रल का अर्थ है मस्तिष्क के दोनों भाग, सभी जानते हैं मस्तिष्क के दो भाग हैं, ठीक है ना, और अपना अपना कार्य होता है मस्तिष्क में, जो कि सारा एक हमारा सिस्टम जो है हमारे बॉडी का वो सारा कौन करता है, एक हमारा ब्रेन करता है पूरा उसको प्रोसेस। तो दोस्तों सेरेब्रल का अर्थ इसमें मस्तिष्क के दोनों भाग है, पैलेसी का अर्थ किसी ऐसी असामान्यता या क्षति से है, यानी कि पैलेसी जो शब्द है इसका अर्थ एक ऐसी असामान्यता कह लीजिए या उसे क्षति कह लीजिए, ऐसी क्षति या असामान्यता से है जो शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट करता है, यानी कि प्रामस्तकीय पश्चाघात एक ऐसी स्थिति है जो क्या है मस्तिष्क के दोनों भाग, ठीक है ना, यानी कि हमारे मस्तिष्क का जो भाग है उसके दोनों भाग में क्या कह रहे हैं कि ऐसी असामान्यता आना या क्षति होना जिसके कारण शारीरिक नियंत्रण नष्ट हो जाता है, यानी कि कोई ऐसी मस्तिष्क की असामान्यता या कोई मस्तिष्क का ऐसा लकवा या मस्तिष्क के संबंधी कोई क्षति जिसके कारण क्या हो व्यक्ति के शरीर पर नियंत्रण खत्म हो जाए, मांसपेशियों पर नियंत्रण खत्म हो जाए, उसका बॉडी का कंट्रोल बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति को हम प्रामस्तकीय पश्चाघात कहते हैं, ठीक है। प्रामस्तकीय पश्चाघात एक जटिल अप्रगतिशील अवस्था है, यानी कि एक कंडीशन है दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है, समझ रहे हैं, एक कंडीशन है, एक स्टेज है जो कह रहे हैं कि प्रामस्तकीय पश्चाघात एक जटिल अप्रगतिशील जिसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रगति नजर नहीं आती है अप्रगतिशील अवस्था है जो जीवन के प्रथम 3 वर्षों में हुई मस्तिष्क की क्षति के कारण उत्पन्न होती है। एक चीज ध्यान रखना, इसकी कंडीशन जो होगी शुरू के प्रथम 3 महीने के समय में या उसके अंतर्गत, उसके बाद में जो होगा तो वो आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जाएगा, सेरेब्रल पैलेसी में नहीं जाएगी उसकी कंडीशन, ठीक है। कह रहे हैं प्रामस्तकीय पश्चाघात एक जटिल अप्रगतिशील अवस्था है जो जीवन के प्रथम 3 वर्षों में हुई मस्तिष्कीय क्षति के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य ना होने के कारण क्या कह रहे हैं कि मस्तिष्कीय
क्षति होने के कारण, जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके फल स्वरूप कह रहे हैं मांसपेशियों में सामंजस्य, यानी कि हमारी मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, कमजोर हो जाती है, यानी कि वीक हो जाती है हमारी बॉडी की मसल्स, ठीक है ना, और क्या हो जाता है, और वो डिसेबल हो जाती है एक तरीके से, ठीक है। इस स्थिति में मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद पुनः ठीक नहीं किया जा सकता, यानी कि एक ऐसी अवस्था है जिसे क्या है, जब मांसपेशियां कमजोर हो गई, हमारी मांसपेशियों का सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया, उन पर नियंत्रण नष्ट हो गया, तो इस स्थिति को क्या है, पुनः ठीक नहीं किया जा सकता, ना ही यह बढ़ता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप आज इस एज में ज्यादा है, आने वाले एज में कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, उससे ज्यादा हो जाए, ना बढ़ता है ना घटता है, लेकिन इसके बावजूद भी संचालन स्वयं शरीर स्थितियां तथा उससे जुड़ी समस्याओं को थोड़ा सुधारा जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता इस अवस्था को, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इनको इनमें थोड़ा सुधार कर सकते हैं, इनसे संबंधित समस्याओं को, ना कि इस समस्या को, आप समझ रहे हैं, ठीक। तो दोस्तों इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, या अगर मैं बात करूं सेरेब्रल पॉलिसी के टाइप्स की, ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, पहले इसके लक्षण पर बात कर लेते हैं कि किस तरीके के लक्षण हमें सेरेब्रल पॉलिसी में देखने को मिलते हैं, यानी कि सिम्टम्स कैसे रहते हैं, या इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, कैसी विशेषताएं पाई जाती है, कैसे पहचानेंगे अभी बच्चा सेरेब्रल पॉलिसी है इसको, या सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रसित है, ठीक है, प्रमस्तिष्क पश्चाघात से ये ग्रसित है। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे लक्षण हैं इनके, या हम कुछ विशेषताएं कह सकते हैं इन बच्चों की। सबसे पहले कह रहे हैं, सामान्य बच्चों की तुलना में ऐसे बच्चों का विकास धीमा होता है, यानी कि क्या है, जैसे कि सामान्य बच्चों का जैसे जैसे शारीरिक विकास मानसिक विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, जब माँ गर्भधारण करती है तब से बच्चे का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, कहीं ना कहीं हर दिन दोगुना रात चौगुने वाली बात, इस तरीके से विकास होता रहता है, लेकिन गर्भ से ही बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इन बच्चों का जो विकास है एक सामान्य बच्चे की तुलना में कम होता है, धीरे होता है और असामान्य होता है। दूसरा कह रहे हैं, अनियंत्रित गर्दन एवं बैठने की क्रिया सीखने में कठिनाई। अनियंत्रित यानी कि इनकी, जैसे कि हमने देखा मसल्स पर कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, वॉलेंट्री नहीं रहती हैं, या हम कह सकते हैं उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो अनियंत्रित गर्दन यानी कि इन छात्रों को या इन बच्चों को जब आप देखेंगे तो इनकी क्या हेड कंट्रोल नहीं आएगा, यानी कि जब बच्चा डेवलप होता है अपने माइल स्ट्रेन जब वो कवर करता है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले गर्दन संभालना सीखता है, तो इन बच्चों का क्या होता है, गर्दन संभालने इनमें नहीं आता है, गर्दन अनियंत्रित रहती है। बैठने की क्रिया में यानी कि हम क्या सिटिंग की पोजिशन में आ जाए विद सपोर्ट या विदाउट सपोर्ट, तो इन सभी क्रियाओं में इन्हें समस्या होती है। बाड़ी विकास धीमा अधिगम प्रक्रिया में समस्या, बाड़ी विकास यानी कि भाषा विकास इनका बहुत धीमा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे मस्तिष्क से जो मैसेज हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है, उसके कारण बहुत सारी सकिंग प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण वो सक नहीं कर पा रहा है, ड्रूलिंग हो रही है और संबंधित समस्याओं के कारण बोल नहीं पा रहा है वो ठीक से, जब हेड कंट्रोल नहीं है वो ठीक से उस चीज को क्या करेगा, वोकल्स नहीं कर पाएगा, तो उसमें बाड़ी समस्या होंगी, भाषा समस्या होंगी, धीमा अधिगम, जब भाषा जिस बच्चे में हमें कहीं ना कहीं समस्या नजर आती है तो उसकी अधिगम प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं, लार टपकना निगलने और चबाने में समस्या, इन बच्चों में लार टपकती रहती है क्योंकि कंट्रोल नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वो सक नहीं कर पाते एंजाइम को, वो बाहर निकालते रहते हैं, और निगलने और चबाने में भी इनको समस्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानसिक मंदता एवं अधिगम अक्षमता का सम्मिलित होना, इन बच्चों में देखिए दोस्तों, जब छात्र में क्या है, कहीं ना कहीं उसका विकास धीमा हो रहा है, उसके सामान्य पड़ाव जो है विकास के वो नहीं कवर कर पा रहा है, ठीक है, तो मानसिक मंदता यानी कि भाषा के साथ साथ मानसिक मंदता की, और जब मानसिक मंदता जैसे लक्षण होते हैं तो अधिगम अक्षमता भी, अगर शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो वो लिख नहीं पाएगा, डिसग्राफिया हो जाएगा, बोल नहीं पाएगा, ठीक है ना, तो पढ़ने में उसको समस्या होगी, डिसलेक्सिया हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सभी संबंधित समस्याएं मानसिक मंदता या अधिगम अक्षमता जैसी समस्याएं हमें इन बच्चों में देखने को मिलती हैं। शरीर में अकड़न, मांसपेशियों में शिथिलता एवं तनाव होना, इन बच्चों का हमेशा शरीर में अकड़न रहती है, ठीक है ना, अकड़ा हुआ शरीर रहता है, मांसपेशियों में शिथिलता या फिर तनाव देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार के
बच्चों में हमें अलग अलग कंडीशंस के साथ अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन की बात करें, हम प्रकार की बात करें, देखिए इसके जो प्रकार हैं तीन भागों में सेरेब्रल पाल्सी के प्रकार को, या हम कह सकते हैं प्रमस्तिष्क के पश्चात के प्रकार को वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? तीव्रता के अनुसार, चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार, प्रभावित अंगों के अनुसार। ठीक है, तीव्रता के अनुसार अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए माइल्ड सीपी, ठीक है, माइल्ड सीपी की अगर हम बात करें तो माइल्ड सीपी उन बच्चों के लिए है जैसे कि इन बच्चों की कंडीशन थोड़ी सी क्या है, गामक अक्षमता प्रभावित होती है। गामक का मतलब है शारीरिक अक्षमता प्रभावित होगी, जैसे चलने उठने बैठने में, लेकिन कुछ हद तक ये ठीक होते हैं और अपना कार्य स्वयं कर लेते हैं। शैक्षिक उपलब्धि भी इनकी ठीक ठाक होती है, बहुत अच्छी तो नहीं होती लेकिन ठीक ठाक होती है और अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं माइल्ड सीपी वाले बच्चे। ठीक है, मॉडरेट सीपी क्या है दोस्तों, इन बच्चों में क्या है, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप तो अच्छे से कर पाते हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं शैक्षिक उपलब्धि अच्छी नहीं होती और गामक रूप से भी न्यूनतम विकास होता है इनमें, या हम कह सकते हैं गामक जो उनकी गामक क्षमता जो है अत्यधिक प्रभावित होती है, शारीरिक रूप से अधिक प्रभावित होते हैं यानी कि माइल्ड सीपी से। ठीक, अगर सीवियर की बात करें, सीवियर सीपी में दोस्तों व्यक्ति जो है पूर्णतः दूसरों पर निर्भर है, ये छात्र क्या है माइल्ड सीपी जो होगा वो अपने कार्य यानी कि अपना शैक्षणिक कार्य भी कर सकता है सहायता के साथ और बिना सहायता के साथ अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को कर पाते हैं माइल्ड सीपी वाले। ठीक है, मॉडरेट सीपी वाले भी अंडर सुपरविजन कर लेते हैं लेकिन इनकी शैक्षिक उपलब्धि और अधिगम प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है, लेकिन सीवियर सीपी की अगर बात करें तो ये छात्र पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होते हैं। इस कंडीशन में व्यक्ति पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होगा, चाहे वो व्यक्तिगत कार्य हो गया, शैक्षणिक कार्य हो गया, शैक्षणिक कार्य तो यहाँ फॉलो नहीं होता, देखा जाए तो इस स्तर पर शैक्षणिक कार्य फॉलो नहीं होता है क्योंकि शैक्षणिक कार्य का उनका इतना स्तर नहीं होता है और ये और भी अपने व्यक्तिगत कार्यों में भी दूसरों पर निर्भर होते हैं। दूसरा है दोस्तों चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार, चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार अगर हम सीपी की बात करें तो चार प्रकार के, स्पास्टिसिटी सीपी, अटैक्सिया सीपी, एथेटोइड सीपी, मिक्स्ड। देखिए दोस्तों स्पास्टिसिटी जो सीपी है, स्पास्टिसिटी सीपी जिन बच्चों में पाई जाती है उन बच्चों की मांसपेशियों का तनाव बहुत बड़ा होता है यानी कि हमेशा बहुत ज्यादा हाइपोटोनी रहती है, हाइपोटोनिक जैसा हम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा उत्तेजित रहते हैं ये बच्चे, क्रोधित होते हैं, ठीक है ना, उत्तेजनाएं होती है, क्रोधित होते हैं और क्या है? पूरा शरीर अगड़ा हुआ होता है और मांसपेशियां हमेशा इसमें तनी हुई देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इनके जो पैर होंगे अंदर को मुड़े हुए देखने को मिलेंगे, लेटने पर इनकी कंडीशन ये हो जाती होगी जब ये पीठ के बल लेटेंगे तो इनका सिर उठ जाता है और पैर उठ जाते हैं और एक तरफ को मुड़ जाते हैं। ठीक है, अगर अटैक्सिया की बात करें तो अटैक्सिया में देखिए दोस्तों असंतुलित गति होती है इसमें, असंतुलित यानी कि एकदम से बच्चा क्या होगा, उठेगा, गिर जाएगा, बैठने की कोशिश करेगा, गिर जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल ही इस पर बॉडी का कंट्रोल नहीं रहता है, असंतुलित गतियां होती हैं। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो छोटी छोटी अगर इसके अटैक्सिया के अंदर कि शारीरिक रूप से अगर देखे जाए अटैक्सिया स्पास्टिसिटी से थोड़ी कंडीशन इसकी ठीक होती है। ठीक है, एथेटोइड सीपी में क्या है दोस्तों, अनियंत्रित गतियां यानी कि अनैच्छिक गतियां पाई जाती है। एथेटोइड सीपी जो है इसमें जो गतियां होती हैं अनैच्छिक गति तो होती है लेकिन अनैच्छिक गतियां इसमें ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, मांसपेशियों का तनाव बढ़ा हुआ रहता है इसमें भी, शारीरिक रूप से अत्यधिक प्रभावित होता है व्यक्ति इसमें। ठीक है, और अनैच्छिक गतियों के साथ साथ अगर हम बात करें इसमें गतियां भी हमारी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, गति का कभी कभी आ जाता है आपका परीक्षा में कि गति के प्रकार कौन कौन से है, तो गतियां दो प्रकार की हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक गतियां वे गतियां जो हमारे इच्छाओं के अनुसार कार्य करती हैं और अनैच्छिक गतियां वे हैं जो हमारे इच्छाओं के बिना कार्य करती हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट जिन्हें बोलते हैं। तो
क्लोनस जैसी इसमें हमें अनैच्छिक गतियां एग्जिट सीपी में देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं बच्चा ना चाहते हुए भी उसका सिर हिलेगा, हाथ झटकेगा, एकदम से यूं करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमें अनैच्छिक गतियां देखने को मिलती है। और मिक्स्ड सीपी की अगर बात करें तो स्पास्टिटी सीपी और एथेरेट सीपी, इन दोनों का मिक्स हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि स्पास्टिटी सीपी के और एथेरेट सीपी के दोनों के जो लक्षण है वे मिक्स सीपी में देखने को मिलते हैं। अब हम अगर प्रभावित अंगों के अनुसार बात करें कि प्रभावित अंगों के अनुसार सेरेब्रल पाल्सी के कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले कह रहे हैं दोस्तों मोनोफिलिया। मोनोप्लीजिया क्या है? मोनोप्लीजिया देखिए दोस्तों, मोनोप्लीजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति का कोई एक अंग प्रभावित होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, इस तरीके से ये, ठीक है, इसमें क्या होगा, व्यक्ति का कोई एक अंग प्रभावित होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए व्यक्ति का केवल एक हाथ प्रभावित है, इसमें मोनोप्लीजिया में कोई एक होगा। यहाँ पर मोनोप्लीजिया वाला जो व्यक्ति होगा, मोनोप्लीजिया सीपी जिस व्यक्ति को होगा, उस व्यक्ति का कोई एक अंग प्रभावित होगा, चाहे एक हाथ हो, एक पैर हो, ठीक है ना, किसी भी साइड का, जरूरी नहीं एक तरफ का, किसी भी साइड का कोई एक अंग प्रभावित होता है, ठीक है। हेमोप्लीजिया में दोस्तों एक तरफ का, हेमो का मतलब हाफ कर दीजिए आप, एक तरफ का दो, ए मतलब आधा शरीर पूरा, इस तरीके से देखिए ये व्यक्ति का एक तरफ का आधा शरीर पूरा प्रभावित होता है। यानी कि एक ही तरफ का हाथ, ठीक है, उसका लोअर लिम, अपर लिम और उसका लेग, पैर भी, ठीक है, हाफ हेमोप्लीजिया, ठीक है। यानी कि हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि आधा हिस्सा हेमोप्लीजिया प्रभावित होता है। पैराप्लीजिया में क्या होता है दोस्तों? पैराप्लीजिया में अत्यधिक व्यक्ति के दोनों पैर ही प्रभावित होते हैं। और ये चीज निश्चित है कि पैराप्लीजिया जिसे होगा उसके ओनली, यानी कि केवल पैर प्रभावित होते हैं व्यक्ति के, इस तरीके से देखिए। यहां पर पैर प्रभावित दिखेंगे इस व्यक्ति के, केवल पैराप्लीजिया में केवल पैर प्रभावित होते हैं, दोनों पैर, ठीक है ना, दोनों पैर, ठीक है, लोअर लिम हम कह सकते हैं, या दोनों पैर प्रभावित होते हैं, ठीक। डायप्लीजिया में क्या है दोस्तों? कोई दो हो सकता है डायप्लीजिया में, ठीक है ना, हो सकता है दोनों पैर भी हो सकते हैं कभी कभी डायप्लीजिया में, लेकिन डायप्लीजिया में क्या है, कोई दो हो सकता है, एक ये वाला पैर, एक लेफ्ट और एक राइट, हाँ उसका हैंड हो, ठीक है ना, इस तरीके से हो सकता है। या हो सकता है एक ही तरफ की अगर हम बात करें तो एक ही तरफ के हाथ और पैर प्रभावित हो, इसमें कोई दो होंगे, ठीक, दो अंग प्रभावित होते हैं। क्वाड्रिप्लीजिया की बात करें तो व्यक्ति का पूरा शरीर प्रभावित होता है, पूरा शरीर ही इसमें प्रभावित होता है, यानी कि ऑल ओवर, ठीक है। और बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है, इसमें मोनोप्लीजिया में कोई एक अंग प्रभावित हो रहा है, हेमोप्लीजिया में आपका आधा शरीर प्रभावित हो रहा है, ठीक है, पैराप्लीजिया में व्यक्ति के केवल दोनों पैर ही, पैसे पैरा से आप पैर देख कर सकते हैं कि पैराप्लीजिया में केवल पैर प्रभावित हो रहे हैं। डाइप्लीजिया में आपको ध्यान रखना है, डाई का मतलब दो ले लीजिए, डी डो दो, यानी कि कोई भी दो प्रभावित होंगे इसमें, और क्वाड्रिप्लीजिया में फुल हो जाएगी, फुल बॉडी व्यक्ति की प्रभावित होती है। तो इस तरीके से अगर आपको ये पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए पांच नंबर में पूरा सीपी ना मान करके आपको केवल प्रकार आ जाए, सीपी के प्रकार कौन कौन से, तो सीपी के प्रकार को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, तीव्रता के अनुसार, चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार, प्रभावित अंगों के अनुसार, लेकिन आपको उसमें सारा बताना होगा विद डायग्राम के, ठीक है, इस तरीके से। देखिए दोस्तों, इसका अगर हम मैनेजमेंट की बात करें कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसके जो मैनेजमेंट, देखिए दोस्तों, यानी कि सीपी का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम एजुकेशन इम्प्लीकेशन कर सकते हैं इसके लिए, तो सबसे पहले दिया है विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा।
सेरेब्रल पालेसी एक शारीरिक विकलांगता है, सभी जानते हो, और सभी विकलांग व्यक्तियों को अधिकार है कि एक सामान्य शिक्षा ग्रहण करें। तो विशेष शिक्षा के माध्यम से हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन व्यक्तियों को शिक्षित कर सकते हैं, शिक्षित और प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं, शिक्षण और प्रशिक्षण दे सकते हैं, पुनर्वास दे सकते हैं इनको, ठीक है, और अन्य इनसे अन्य जो संबंधित समस्याएं हैं उन समस्याओं से संबंधित जितनी भी सेवाएं सर्विसेस है उनको प्रोवाइड करा सकते हैं अंडर स्पेशल एजुकेशन विद इंक्लूजन, ठीक है। दूसरा है अस्थि विकलांग संबंधित शल्य चिकित्सा, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारी सभी थेरेपीज आ जाएंगी, ठीक है ना। हम इसमें क्या करेंगे, उसकी जो फिजिकल डिसेबिलिटी से फिजियोथेरेपी कराएंगे इसमें हम, ठीक है। और यहां पर हमारी फिजियो आ गई, फिजियोथेरेपी, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ठीक है, मैग्नेट थेरेपी हो गई, यहाँ पर सारी जितनी भी थेरेपी होगी और हमारी सर्जरी से रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस होंगी उन सभी सर्विसेज को देकर हम इसमें क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, इसको प्रबंधन कर सकते हैं इसका, और इसमें सुधार कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, यानी कि इन बच्चों को दैनिक जीवन के क्रियाकलाप जो नहीं कर पा रहे हैं आत्मनिर्भर रूप से, इनको हम क्या करेंगे, एडीएल एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग का हम इनको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकेंगे, ये इनको सिखा सकेंगे, ये अपने कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। खेल चिकित्सा के माध्यम से हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं और इनको मानसिक रूप से भी स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक है। सहायक उपकरण, यानी कि छात्रों की आवश्यकता के अनुसार, यानी कि व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार हम जो इसकी इनकी जो शारीरिक अक्षमता जो है, शारीरिक विकलांगता जो है, उनके लिए गतिमान बनाने के लिए, इनकी शरीर स्थिति को सुधारने के लिए सहायक उपकरण दे सकते हैं, ठीक है। चलने के लिए हम किसी वॉकर का यूज कर सकते हैं, कोई क्रेचर दे सकते हैं, कोई फ्रेम दे सकते हैं, हम इनको व्हीलचेयर दे सकते हैं, यानी कि इनकी आवश्यकता अनुसार इनको कोई भी उपकरण प्रदान करके इनको प्रबंधन किया जा सकता है। व्यवसाय प्रशिक्षण एवं रोजगार, यानी कि छात्रों के लिए क्या करेंगे, हम ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग भी देंगे ताकि वे अपने भविष्य में आत्मनिर्भर रूप से जीवन यापन कर सके। तो इस तरीके से हम सीपी का प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक। अब बात आती है इसके प्रिवेंशन की। देखिए दोस्तों, एक प्रिवेंशन हो गया और एक कॉजेस, इसके कारण और बचाव, ठीक है, दोनों ही कहीं ना कहीं कॉजेस भी उसी स्टेज के होते हैं और प्रिवेंशन भी उसी स्टेज के होते हैं। जहां पर कारण होता है किस चीज का, वहीं पर उसका बचाव भी होता है। देखिए दोस्तों, इसके बचाव देख लेते हैं पहले, तो उसके साथ साथ हम कॉजेस भी करते चलेंगे, इनका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं। तो इसका प्रिवेंशन देखिए तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्रीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल। अगर हम बात करें तो जन्म से पूर्व, ठीक है, और जन्म के समय, और ये बाद में हो गया, ठीक है, जन्म के बाद, प्रसव पूर्ण, प्रसव का समय और प्रसव के बात, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब प्रीनेटल पर हम किस तरीके के बचाव करेंगे। प्रीनेटल पे देखिए कारण क्या होते हैं, प्रीनेटल के कारण अगर हम जान लेते हैं, प्रीनेटल के कारण या कॉजेस हम कह सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं सीपी के, जैसे कि मां की आयु। सबसे पहला प्रीनेटल का एक कॉज ये है कि मां की आयु क्या है, बिल्कुल परिपक्व होनी चाहिए जब वे अपने बच्चे को जन्म देने वाली है, उसका एक एज होती है कि इससे ना ज्यादा कम हो और ना ही ज्यादा हो, ठीक है। कुपोषण, यानी कि उसका न्यूट्रिशन का हमें ध्यान रखना है पूरा, ठीक है, उसके बॉडी के लिए उसको क्या क्या चाहिए, किस किस चीज की जरूरत है, पूरा न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। चिकित्सीय जांच, यानी कि समय पर हमें क्या करना है, मेडिकल उसके जितने भी चेक कर रहे हैं, वे चेकअप हमें ध्यान पे करने होंगे, ध्यान से रखने होंगे और ध्यान रखना होगा इन सभी चीजों का, ठीक है। प्रिवेंशन में भी हम यही करेंगे कि प्रिवेंशन के समय भी हमें संक्रमण का ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, जिससे कि बच्चे को कोई समस्या हो। माँ का कोई अगर उसको मान लीजिए कोई डायबिटीज है, या फिर हम कह सकते हैं उनको टीवी है, या कोई भी थायराइड जैसी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर माँ को ये सारी किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है तो वो उसके बच्चे को लगता ही लगता है। कुपोषण, अगर माँ में अगर किसी प्रकार की कोई कमी होगी तो उसका क्या होगा, उसका प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ेगा, जिसका परिणाम क्या होगा, बच्चे का विकास असामान्य होगा। तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम सीपी से बच सकते हैं।
नेटल का समय यानी कि जन्म के समय, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो रहा है, जन्म के समय हम क्या क्या प्रिकॉशन रखेंगे या प्रिवेंशन करेंगे, तो देखिए ऑक्सीजन की कमी, कहीं ना कहीं जब बच्चे का जन्म होता है और उस डिलीवरी के टाइम क्या होता है कि बहुत ज्यादा लंबा प्रसव पीड़ा चल रहा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा समय, और कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो ठीक प्रकार से जन्म नहीं ले पा रहे, तो उसमें क्या है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हाइपोक्सिया के कारण क्या है ब्रेन डैमेज हो जाता है कहीं कंडीशन में, ठीक है ना। जब ऑक्सीजन की कमी हो गई, पूर्ण रूप से उसका ठीक से उसका प्रसव नहीं हो पाया, तो क्या उसको ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो मस्तिष्क के कहीं ना कहीं कोई असामान्यता के कारण शारीरिक रूप से बच्चा प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। लंबा प्रसव पीड़ा यानी कि बहुत समय तक चलती रहे पीड़ा, एक दो दिन से ज्यादा या तीन दिन तक, जिसमें क्या है माँ और बच्चे दोनों को खतरनाक कोई भी कंडीशन उनके सामने आ सकती है, और अगर इन सभी कंडीशनों से बचा जा सकता है तो हम सीपी से बच सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं, ठीक है। आप परिपक्व जन्म का पूरा ध्यान यानी कि प्रीमेचर डिलीवरी हम कह सकते हैं कि समय से पूर्व जन्म होना, यानी कि एक समय होता है कि 9 माह में, यानी कि हम कह सकते हैं 9 मंथ्स में पूरा उसका बच्चे का डेवलपमेंट जो है हो जाता है, अगर उससे पहले का डिलीवरी का टाइम हो गया तो प्रीमेचर डिलीवरी में कहीं ना कहीं बच्चे का फुल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और जिसका एक कॉज एक डिसेबिलिटी आ जाता है, ठीक है। पोस्टनेटल क्या है, पोस्टनेटल में क्या है कि जन्म के बाद सिर में किसी प्रकार की कोई इंजरी होना, ठीक है, ब्रेन हैमेज होना, ठीक है, सर्जरी होना, मस्तिष्क की कोई बीमारी हो सकती है, हम कह सकते हैं दिमागी बुखार होना, चोट लगना, टीकाकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन टाइम से ना हो, ठीक है, मस्तिष्क की ज्वर, ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें समय पर होंगी तो कोई भी समस्या नहीं होगी। तो ये 3 कारण थे हमारे, प्रीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका बचाव कर सकते हैं। दोस्तों ये आपका टॉपिक पूरा 10 नंबर में पूछे जाने वाला है, और ये इसी पेपर के लिए नहीं, यानी कि कोर्स फर्स्ट के लिए ही नहीं, और भी कोर्सों के लिए अगर मैं बात करूं, कोर्स 8 हो गया आपका सेकंड ईयर में जब आप जाएंगे उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, और ये 10 नंबर में आपको करना है, जिसमें आपका मीनिंग पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा, क्लासिफिकेशन पूछेगा, प्रिवेंशन पूछेगा, कॉजेस भी पूछेगा आपसे, तो आपको पूरे 250 वर्ड्स में आपको पूरा करना होगा एक्सप्लेन, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।